नमस्कार, सांदा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुख करेंगे खबरों की ओर। एक हफ्ते के भीतर शिवपुरी के सर्जिकल जेल में दो कैदियों की मौत हो चुकी है। 13 जनवरी को 6 महीने की बच्ची की मौत ग्वालियर अस्पताल में हुई थी। पुलिस ने बच्ची के माता पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं दूसरे मामले में दुष्कर्म के आरोपी की अचानक मौत हो गई। कैदी महेश धानुक की मौत के बाद इसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर शांति करवाई है। हमारे जीजा जी हैं धर्मेन सुनील ज्योति, इनसे कोर्ट में केस कर गवाही भेजी थी। इन लोगों ने कही इसने बलात्कार किया, जबरदस्ती झूठा बताया गया है इसको। रात में धर्मेन ज्योति सुनील अर्जुन इनने मरवा दिया रात में उसको। कैसे मरवा दिया? वो आया जेल से मिलने आया, कछु हम बीमार के माले, अब माले जाने सत्यवाद है क्या हकीकत है, उन लोगों ने ही मरवाया है। कैसे मरवाया? उतने उसने कहा लगा दिए होंगे कोई आदमी, उसने अपने बाप के बेटा के पैसे मिले हैं उसके घर में। बलात्कार का केस, हथियार का केस, और उसमें बहुत सारे केस है जिन लोग कोई कार्रवाई नहीं करी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। आपको क्या संदेह है, किस तरह से मरवाया हुआ? जेल में मरवाया या अस्पताल में मरवाया? जेल में मरवाया, जयपुर मरवा दिया, नाम जेल में ही मरवा दिया। बातों इन लोगों ने पैसा दे दिया और जयपुर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, वो तो मर गया, कुछ भी घोषणा कर देंगे ये लोग। कैसे मरवाया होगा? या तो कोई बैंक उसके आदमी लगे होंगे, चोर है वो, पुराना हथियारों का सप्लाई करने वाला, वो तो कोई भी कैदी से मिल गया होगा, उन लोगों से पैसा दे कर मरवा दो उसे। मैं इसको जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस कैदी का नाम महेश धानुक है, जो आज सुबह 5 बजे एडमिट कराया गया था। इतना 6-7 महीने पहले एक 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के जुर्म में इसको बंद किया था 376 पास को एक्ट में। तो ये जब से जेल में बंद था, आज सुबह अचानक इसको 5 बजे के आसपास घबराहट की शिकायत हुई, लाके यहाँ एडमिट कर दिया था और अभी ये खत्म हो गया। सुबह जेल खुली, मुख्यमंत्री आया था, तो बंदी हाथ पे पड़ गया, हम तत्काल गए उसको निकाला, निकाल के ले आए तो उसके गेट में कफ आया, तो जल्दी तत्काल लेकर हम आए, दो प्रहरी हमारे साथ में आए।